हेलो गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, मोटोरोला की तरफ से जो मोटो G34 को 5G को इसे इंडिया के अंदर 9 जनवरी के तो लॉन्च तो किया ही जा रहा है। इसके साथ इसकी प्राइस को भी लीक सामने निकल के आ चुकी है। ये कह सकते हैं इस प्राइस के अंदर ही मोटोरोला G34 कह सकते हैं देखा जाएगा। और ऐसे बात करूँ स्मार्टफोन को लेकर, तो स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ इंडिया के अंदर इसे देखा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको जो बजट सेगमेंट में की लाइन में एक और स्मार्टफोन जुड़ जाएगा इंडिया के अंदर। तो उसे बात करते हैं सबसे पहले इसकी फीचर्स वगैरह के लेकर, फिर उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस को। तो सबसे पहले इसकी डिजाइन वगैरह, तो वैगन लेदर डिजाइन के आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। रियर में डुअल कैमरा सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि 6.5 इंच का आपको HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। और आपको 120Hz रेट का डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा, 5V कटआउट के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी आपको देखने को मिल रही है। वही हम बात कर रहे थे स्मार्टफोन को लेकर प्रोसेसर वगैरह का, जैसे क्वालकॉन का स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। वही एंड्रॉइड 14 बेस पर ये स्मार्टफोन देखने मिलेगा। इसमें आपको 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच भी अपडेट देने की बात कंपनी ने कह रखी है। तो इस कहा जा रहा था फीचर वगैरह काफी अच्छे होंगे। वही रैम स्टोरेज की बात करें तो इसमें रैम और स्टोरेज आपको 4 128 और 8 128 के साथ देखने को मिल सकती है। 2 वेरियंट के साथ ये स्मार्टफोन मार्केट में उतारा जाए। फिलहाल बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन को कैमरा वगैरह इसके लेकर, तो कैमरा आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो कि 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा, कुछ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए और कर सकते हैं सेल्फी वगैरह लेने के लिए काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटीज वगैरह देखने को मिल रही है। वही हम बात करते हैं बाकी फीचर्स वगैरह की, इसमें तो आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी 80W का फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। वही आउट ऑफ बॉक्स आपको कंपनी ने कहा है 20W का चार्जर देने का अडाप्टर देने के लिए कहा है। तो कहा जा सकते हैं काफी अच्छी फीचर्स हो जाएंगे। और फोन में और भी स्पीकर भी देखने को मिल जाएगी, जो कि IP52 रेटिंग की देखने को मिल जाता है। 3.5 mm ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाता है। ऑडियो जैक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इसमें, क्योंकि लोग काफी ज्यादा लोग ऑडियो जैक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये चीज काफी अच्छी कर सकते हैं। वही कलर की बात करते हैं, आइस ब्लू और चारकोल ब्लैक कलर में अवेलेबल होगा और ओशियन ग्रीन कलर में, ये 3 कलर देखने को मिल जाएगा। काफी अच्छी कलर वेरियंट देखने को मिल जाती है। वही स्मार्टफोन के प्राइस की बात कर लेते, ये स्मार्टफोन 4128 बेस वेरिएंट वाली कीमत आपको 10,999 की एक शुरुआती कीमत के देखने को मिल सकती है। वही आपको बात करें 8GB 128 वाले की कीमत को लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं है, लेकिन इसकी कीमत आपको थोड़ा अधिक देखने को मिल सकती है, वही 14,000 तक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो कहा जा रहा है इस स्मार्टफोन की प्राइस आपको कंपनी की तरफ से 10,999 रखा जा रहा है, और इसे ऑफर वगैरह लगा के अलग प्राइस से देखने को मिल सकती है, जो फ्लिपकार्ट के ऑफर पर देखने का अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको कहेंगे मोटोरोला G34 5G को लेकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।